श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण सदा आप और आपके परिवार की रक्षा करें, आप सभी को हर दुख हर बीमारी से बचाए रखें। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चौथा अध्याय। लेकिन आज का अध्याय शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिरकार किस श्राप के कारण गांधारी को 100 पुत्र तो हुए लेकिन वो अपने किसी भी पुत्र को जीवित नहीं देख पाई। और ऐसा हुआ था एक श्राप के कारण। वैसे तो गांधारी के श्राप के बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। महाभारत में आपको बहुत सारी कथाएं सुनने को मिल जाएंगी, कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन जो कहानी मैंने अब तक सुनी है उस कहानी के अनुसार कहा जाता है कि गांधारी अपने पूर्व जन्म में भी एक राजा की पुत्री थी, यानी कि एक राजकुमारी थी। एक बार हुआ ये कि गांधारी के सिर में बहुत भयानक दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि राजकुमारी दर्द से छटपटाने लगी। और इसके बाद राजा ने राजमहल में रहने वाले जितने भी अनुभवी वैद्य थे उन सभी को बुलवा लिया। सभी ने राजकुमारी के सिरदर्द को कम करने का प्रयास किया लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। सभी ने औषधि दी लगाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन राजकुमारी को किसी भी औषधि का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कहते हैं कि तब किसी अनुभवी राजवैद्य ने राजा को सलाह दी कि अगर राजकुमारी के माथे पर 100 केंचुओं को कुचलकर उनका लेप लगा दिया जाए तो ऐसा करने से राजकुमारी का सरदर्द एकदम ठीक हो जाएगा। जब राजा ने इस सलाह को सुना तो उसने बिना सोचे समझे राजकुमारी के सिर पर लेप लगाने के लिए 100 केंचुओं को ढूंढने का आदेश दे दिया। अब राजकुमारी की हालत जो थी वो बिल्कुल मरने जितनी हो गई थी। ऐसा लगता था कि मानो राजकुमारी का दम किसी भी क्षण निकल सकता है। राजकुमारी उधर सिर दर्द से छटपटा रही थी और उधर राजा ने अपने महल के कुछ लोगों को 100 केंचुए ढूंढकर लाने का आदेश दे दिया। थोड़े ही प्रयास के बाद राजा के भेजे हुए लोग जो थे वो केंचुओं को ढूंढने में सफल हो गए। दरअसल वे सारे केंचुए एक ही बिल में थे और उस समय उन केंचुए की माँ वहां पर नहीं थी। 100 केंचुए एक साथ थे तो राजा के भेजे हुए लोग उन केंचुओं को पकड़कर राजमहल में ले आए। कुशल राजवैद्य ने जल्दी जल्दी से उन केंचुओं को कुचलकर उनका लेप बना दिया और उसे राजकुमारी के माथे पर लगा दिया। लेप लगने के बाद तुरंत ही राजकुमारी के सिर का दर्द मानो बिल्कुल गायब ही हो गया हो। राजकुमारी एकदम स्वस्थ हो गई। लेकिन उधर जब केंचुओं की माँ वापस अपने बिल में पहुंची तो देखा वहां पर उसका एक भी बच्चा नहीं था। अब मादा केंचुआ रोते रोते अपने बच्चों को याद करने लगी और रोते रोते ही उसने श्राप दे डाला कि जिसने भी मेरे बच्चे चुराए हैं या जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या की है मैं श्राप देती हूँ कि उनके घर में 100 पुत्रों का जन्म होगा और वे सभी पुत्र एक दिन ही मारे जाएंगे। उन 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र जीवित नहीं होगा। कहते हैं कि यही श्राप था जो गांधारी को अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ा। आइए भक्तजनों अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चौथा अध्याय जिसमें गोकर्ण के बारे में कहा गया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे मुनिवर उस समय अपने भक्तों के मन में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधार चुके थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। कटी प्रदेश करधनी की सुंदर लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए मन को चुरा ले रहे थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा के बारे में अब क्या कहें। उनके उस रूप ने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि गूंजने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चलने लगा। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा तक की सुधि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर देवर्षि नारद कहने लगे नारायण नारायण हे मुनीश्वरगण आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है।
यहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी आदि भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कलयुग में मन की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं हो सकता। हे मुनिवर, आप लोग तो बड़े दयालु हैं और आप सभी ने तो संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाल दिया है। हे मुनिगण, अब कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग भी पवित्र हो सकते हैं? तब संकादि ऋषि ने कहा, हे नारद मुनि, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग पर चलते हैं, तथा वो जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले होते हैं, ऐसे लोग जो कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि हे देवर्षि, झूठ बोलने वाले, अपने माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को सदा दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से ही पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्महत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये पांच महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाच के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही अपना भरण पोषण करते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हे देवर्षि, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद मुनि, पूर्व काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ पर सभी वर्णों के धर्म के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में ही समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत श्रमात कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। वह धनी होने पर भी भिक्षा लेकर अपना जीवन याचन करता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव उसका बहुत क्रूर था। प्रायः कुछ न कुछ बकवास किया करती थी, दूसरों की बुराई करती थी, लेकिन गृह कार्य में बड़ी निपुण थी, कंजूस थी और थी थोड़ी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम से अपने घर में रहते और विहार किया करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत सारी थी। घर द्वार भी बड़े सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें बिल्कुल सुख नहीं मिलता था। जब उनकी उम्र ढलने लगी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने शुरू कर दिए। वे दीन दुखियों को, गौओं को पृथ्वी, सोने और वस्त्र आदि का दान करने लगे थे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तब भी उन्हें किसी पुत्र या पुत्री का वरदान नहीं मिला, यानी कि उन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। इतने धर्म के काम करने पर, इतना दान देने पर, जब उसका आधे से ज्यादा धन भी खत्म हो चुका, तब वह ब्राह्मण अब बड़ा परेशान रहने लगा, हर समय चिंता में दुखी रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। वन की तरह पैदल ही चलता जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। अब उसे जोर की प्यास लगने लगी। पानी के लिए वो एक तालाब के किनारे आ गया। अब संतान का अभाव था और ये बहुत भारी दुख भी उसके जीवन में था, तो इस दुख ने, चिंता ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, बहुत कमजोर बना दिया था। इसलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं धरती पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बीती थी कि वहां पर एक सन्यासी महात्मा पहुंच गए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद उनके सामने खड़े होकर बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वो सांसें दुख भरी सांसें थी। तब सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोती क्यों हो? तुम्हें ऐसी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारा दुख दूर करने का कोई उपाय बता सकूं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का कैसे वर्णन करूं?
अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों द्वारा कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार ही नहीं करते। संतान पाने के लिए मैं तब दुखी हो गया हूँ कि मुझे चारों तरफ केवल वीरान ही वीरान नजर आता है, मुझे कोई सुख नजर नहीं आता। अब मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। जिसे संतान नहीं उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। संतानहीन घर को भी धिक्कार है, संतानहीन धन को भी धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी हमेशा बांझ ही हो जाती है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कोई फल फूल नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को रखकर आप मुझे करना ही क्या है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बड़े दुखी मन से सन्यासी महात्मा के पास उनके चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उन सन्यासी के मन में ब्राह्मण के लिए बड़ी करुणा उत्पन्न हुई, क्योंकि वे तो योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर उसका सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अब तुम संतान सुख का मोह त्याग दो। कर्म की गति सबसे प्रबल होती है, इसलिए अब तुम विवेक का सहारा लेकर संसार की वासना भी छोड़ दो। हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा दुख देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई भी संतान किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर और अंग को संतान के कारण ही दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का अब तुम्हें सुख प्राप्त हो सकता है। तब सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? अब तो आप मुझे किसी भी प्रकार पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अब अपने प्राणों का त्याग करता हूँ। जिसमें स्त्री और पुत्र आदि का सुख ही ना हो, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही होता है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को भी बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा था। हे ब्राह्मण, इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल पाएगा। अब तुमने तो बड़ी भारी जिद पकड़ रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पुत्र चाहिए ही चाहिए। अब इस समय तुम मेरे सामने याचक के रूप में खड़े हुए हो, तो ऐसी दशा में अब मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ने वाला, तब उन्होंने उस ब्राह्मण को एक फल देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहते तो ये लो, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ। इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। अगर तुम्हारी पत्नी इन नियमों का पालन कर सकेगी तो तुम्हारे घर जन्म लेने वाला बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे महात्मा जी वहाँ से चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और खुद वहां से कहीं चला गया। अब उसकी पत्नी तो बहुत कुटिल स्वभाव की थी, वो रो रोकर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मेरे पति ने कहा है इस फल को खाने से मुझे गर्भ ठहर जाएगा, लेकिन मैं तो ये फल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अगर मैं फल खा लूंगी तो मुझे गर्भ ठहर जाएगा, गर्भ ठहरेगा तो मेरे पेट का आकार भी बढ़ने लगेगा, फिर तो मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा और इससे मेरे अंदर कमजोरी हो जाएगी। अब तुम ही बताओ, जब मेरे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो भला मैं घर का काम धंधा कैसे कर पाऊंगी। अच्छा, ये सब बातें भी जाने दो, एक बात बताओ कि अगर गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो भला एक गर्भवती महिला कैसे भाग पाएगी। अगर सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इससे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और तो और, कहीं बच्चे का जन्म होते हुए बच्चा पेट में ही टीढ़ा हो जाए तो फिर तो मुझे अपने प्राणों से ही हाथ धोने पड़ेंगे, और यूं भी प्रसव के समय बहुत भयंकर पीड़ा होती है। मैं ठहरी नाजुक, अब भला मैं ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। अब जब मेरे अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी, मैं खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पाऊंगी और मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, तो मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगी। अब जब मैं काम काज करने के लिए उठ ही नहीं पाऊंगी तो मेरी ननद रानी आएगी, फिर तो ननद रानी भी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे घर का सारा माल पानी समेट कर ले जाएगी। अब भला एक बात बताओ,
मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। कहते हैं जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा भारी कष्ट होता है। हे सखी, मेरे विचार से तो बांझ या विधवा स्त्रियां ही सबसे ज्यादा सुखी रहती हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क कुविचार उठने से उस स्त्री ने वह फल ही नहीं खाया। वापस आकर जब उसके पति ने यानी कि ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने फल खा लिया, तब ब्राह्मण की पत्नी ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारी बात सुना दी और कहने लगी कि मेरे मन में इस बात की बड़ी चिंता है। अब मैं इस दुख के कारण दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तब बहन ने कहा, बहन मेरे पेट में बच्चा है, एक काम करेंगे कि प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम अपने घर में झूठ मूठ का गर्भवती होने का स्वांग रचना और बड़े सुख से रहना। तुम मेरे पति को थोड़ा धन दे देना तो वो तुम्हें अपना बालक दे देंगे। हम दोनों ऐसा उपाय कर लेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक तो 6 महीने का होकर ही मर गया। यानी कि मैं अपने घर पर कह दूंगी कि मेरा बालक तो 6 महीने का होकर ही मर गया और मैं रोज तुम्हारे घर आकर उस बच्चे का पालन पोषण भी कर दिया करूंगी। तब तक तुम एक काम करो, तुम्हारे पति ने जो तुम्हें फल लाकर दिया है, अब पता नहीं उस फल में कितनी सच्चाई है, तुम इस फल की जांच करने के लिए ये फल गाय को खिला दो। अब ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहन के अनुसार ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। कुछ समय के बाद जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर वह पुत्र धुंधलकी को दे दिया। ये धुंधलकी वही है जो ब्राह्मण की पत्नी है और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ है ऐसा सुनकर सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई। अब ब्राह्मण ने भी सभी नियमों का पालन करते हुए अपने बच्चे का नामकरण संस्कार किया और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। अब उसके द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार से मांगलिक कार्य होने लगे, ठीक वैसे ही मांगलिक कार्य जैसा किसी बच्चे के जन्म के उत्सव के समय किए जाते हैं। अब धुंधलकी ने एक दिन अपने पति से कहा कि सुनो, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं उतर रहा, उतरे भी कैसे, क्योंकि धुंधलकी तो कभी माँ ही नहीं बनी थी, ना ही वो गर्भवती हुई थी और ना ही उसने उस बच्चे को जन्म दिया था जिसे वो अपना बच्चा बता रही थी। अब जब धुंधलकी ने कहा कि मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, तो फिर गाय आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के तो अभी कुछ समय पहले बालक हुआ था, उसका बालक मर गया है, क्यों ना उसे बुलाकर हम अपने यहाँ रख लें, तो इस तरह वो आपके बच्चे का पालन पोषण भी कर दिया करेगी। और इस प्रकार तब अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब ब्राह्मण और उसकी पति ने उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। उधर समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी ने जिस गाय को वह फल खाने को दिया था, वह गाय भी गर्भवती हो गई और 3 महीने बीतने के बाद उस गाय ने भी एक मनुष्य की तरह बच्चा पैदा किया। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल सुंदर दिखता था, दिव्य निर्मल और सोने की कांति वाला बच्चा था, बिल्कुल मनुष्य के बच्चे की तरह दिख रहा था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। इस खुशी में ब्राह्मण ने गाय के बच्चे की देखरेख भी खुद ही की और यहाँ तक कि उसके सारे संस्कार भी खुद ही किए। अब जब ये समाचार गांव के लोगों को मिला तो गांव के लोग भी बड़े हैरान हुए और सभी उस बालक को देखने के लिए वहाँ आने लगे। सभी आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि देखो भाई, इस आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है और कितने आश्चर्य की बात है कि गाय भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न कर सकती है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं चल पाया। गाय ने जिस बालक को जन्म दिया था, उस बालक के गाय की तरह बड़े बड़े और लंबे लंबे कान थे, जिस कारण ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब कुछ समय बीता तो वो दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा भारी पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बहुत ही दुष्ट निकला। धुंधकारी के अंदर ना तो ब्राह्मणों जैसे कोई गुण थे और न ही वो खान पान का कोई परहेज करता था, यानी कि वो मांसाहार भी कर लिया करता था और क्रोध तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, बात बात पर क्रोध करता, यहाँ तक कि बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह भी करने लगा। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी वो खुद खा जाता। दूसरों के घर चोरी करना, सब लोगों से झगड़ा करना उसका स्वभाव बन गया था। छुप छुप कर कभी कभी तो वो दूसरों के घर में आग भी लगा दिया करता था और दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए वो उनको गोद में लेता और उन्हें एकदम से कुएं में डाल देता। अब इस तरह से उसके अंदर कूट कूट कर हिंसा भी भरने लगी, सब लोग उससे डरने लगे।
हर समय वो अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को बेवजह वो तंग करने लगा था। चंडालों से उसे बहुत प्रेम था, बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता। यहाँ तक कि वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक नष्ट कर डाली। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब धुंधकारी ने अपने माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन भांडे उठा लिए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, सारी संपत्ति खत्म हो गई, तब उसका कंजूस पिता फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। जिसका पुत्र ही कुपुत्र हो उसका तो जीवन ही नरक से बदतर होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ और मेरे संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य एक दिन मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। गोकर्ण कहने लगे, हे पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष अब रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। हे पिताजी, इस नश्वर संसार में तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि सुख ना तो देवराज इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को। अगर सुख है तो केवल विरक्ति एकांत जीवी मुनि को। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर ब्राह्मण जो थे वो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। वन को जाने से पहले गोकर्ण से कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं तो बड़ा भारी मूर्ख निकला। अब तक कर्मवश मैं पुत्र मोह में बंधा हुआ था और इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। पुत्र, तुम तो बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रक्त का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुरुष आदि को अपना कभी मत मानिए। यहाँ तक कि इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखिए। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसके प्रति मोह न उत्पन्न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, हर समय उसी का आश्रय लेकर रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से सदा के लिए मुख मोड़ लीजिए। सदा साधु जनों की सेवा करिए। भोगों की लालसा को अपने पास मत फटकने देना और जल्द से जल्द दूसरों के गुण और दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र सच्चे मन से भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करना। इस प्रकार गोकर्ण की वाणी से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने अपना घर छोड़ दिया और वन की यात्रा प्रारंभ कर दी। हालांकि उस समय उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में वे पूरी तरह से दृढ़ थे। अब वन में पहुंचकर उन्होंने रात दिन भगवान की भक्ति पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सारे नियमों का पालन करते हुए अब वे भगवान की ही भक्ति में लीन रहते। इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति कैसे हुई और उससे उसका उद्धार कैसे हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अगला अध्याय।